मूवी के शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड को डिलीवरी करते हुए देखते हैं। यहाँ पर उसके पीछे कई सारी गाड़ियाँ भी होती है, एकदम लग्जरियस वाली, और सभी लोग उसका पीछा करते हैं। फिर वो सभी के सभी कार्स उसको एक जगह पर घेर लेते हैं। फिर जैसे ही वो लोग कार से उतरने लगती है, हमारी स्मार्ट लियो पाक जाती है और फिर वो उन्हें गलियों में घुमाने लगती है। और अचानक से उसकी स्कूटी एक और लग्जरियस कार से टकराने वाली थी, और ये कार होती है वैन की। वैन को उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है, जो उसे बोलते हैं कि 3 दिनों के अंदर मुझे मेरी डॉटर ने लॉक कैसे भी ला के दो, मुझे नहीं पता। और यहाँ पर लियो वैन से माफ़ी मांगती है और उसे 200 की नोट थमा देती है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि तुम क्या जरा सी पागल हो, कम 20,000 लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वैन उसे ऐसा करने से मना करता है और वैन लियो को बोलता है कि मैं तुम्हें अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, मेरा नाम वैन है। यहाँ पर लियो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। वैन को लियो को देखकर अपने बचपन के एक फ्रेंड के बारे में याद आने लगता है और उसे लगने लगता है कि कहीं वो यही फ्रेंड तो नहीं। यहाँ पर लियो उसे बोलती है कि मैं बहुत जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगी, लेकिन वैन उसे बोलता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके बदले तुम मुझसे शादी कर लो, एक फेक मैरिज। यहाँ पर लियो बोलती है कि थोड़े से पागल हो क्या, 2 मिलियन के लिए मैं तुमसे शादी करूँ। तो वैन बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 2 मिलियन नहीं लूंगा, बट मैं इसके बदले तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद 5 मिलियन दूंगा। यहाँ पर लियो अपना मोबाइल नंबर देकर वहाँ से चली जाती है और उसे ना बोल देती है। यहाँ पर फिर लियो और उसके फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट और लंच कर रहे होते हैं और उनका ब्रेक टाइम होता है। इतने में वहाँ से जैंग आ जाता है और वहाँ से उसकी दोनों फ्रेंड्स बोलने लगती है कि ये कितना हैंडसम है। और यहाँ पर जैंग आते ही लियो के पास चला जाता है और वो लियो को प्रपोज करता है और कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें ये डिलीवरी वाला काम कभी भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर लियो उसे बोल देती है कि मैं शादीशुदा हूँ, तो फिर तुम यहाँ से राइट लेके लेफ्ट ले लोगे तो तुम्हारा घर ऑटोमेटिकली तुम्हें दिख जाएगा। फिर यहाँ पर से लियो चली जाती है और यहाँ पर लियो दूसरी जगह डिलीवरी कर रही होती है। तो जैसे ही वो बाहर निकलती है, वो सारे बॉडीगार्ड्स एक बार फिर से आ जाते हैं और वो उसे सल्यूट करने लगते हैं। यहाँ पर वो उसे बोल रहे होते हैं कि आपके हस्बैंड अब वापस आ चुके हैं इतने टाइम बाद, तो आप उनसे मिलने ज़रूर जाना। और यहाँ पे वो लोग उसे रिंग और साथ ही साथ ब्लैक कार्ड भी देते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि शायद से हमारी फीमेल लीड लियो बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन बस वो नाटक कर रही है। इसके बाद में वो बड़ा सा रेड कलर का बुके लेकर चली जाती है अपने हस्बैंड को मिलने के लिए। यहाँ पर उसकी मॉम उसे इग्नोर कर देती है और यहाँ पर उसके बाजू में जो लड़की होती है वो उसके हस्बैंड को हबी करके बुला रही होती है। तो फिर लियो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर लियो की मॉम उसके बेटे को सारी सच्चाई बताने के लिए बोलती है, लेकिन उसका बेटा उसे कुछ बता नहीं रहा था। फिर उसकी मॉम ही उसे बताना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि मुझे चाहिए कि तुम अभी के अभी से डिवोर्स ले लो और इसकी ज़िंदगी से निकल जाओ, क्योंकि हमारा तुम्हारे साथ रहने में कोई भी फ़ायदा नहीं लग रहा। यहाँ पर लियो को रोना आ जाता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसके हस्बैंड ने उसे धोखा दिया है। यहाँ पर लियो बोलती है कि मैं ये सारी चीज़ें अपने हस्बैंड के मुंह से सुनना चाहती हूँ, लेकिन उसका हस्बैंड कुछ बोल ही नहीं रहा होता। उसकी मॉम भी उससे बोलती है कि कुछ तो बोलो, लेकिन वो बोलता ही नहीं है। यहाँ पर उसकी मॉम लियो को बोलने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है, मेरा बेटा कुछ दिनों में बहुत अमीर होने वाला है, क्योंकि इसकी जो न्यू वाइफ होने वाली है वो एक बहुत बड़ी कंपनी से बिलोंग करती है और वो हमारे साथ कोलैबोरेशन करेगी, इस वजह से हमारी भी कंपनी खड़ी हो जाएगी। यहाँ पर लियो अपने बॉयफ्रेंड को यानी कि हस्बैंड को कुछ बोलने के लिए बोलती है, लेकिन वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। फिर यहाँ पर उसके बाजू में खड़ी बोलने लगती है कि अभी तुम मेरे बारे में कुछ नहीं बोल रहे हो, तो इससे अच्छा है मैं यहाँ से चली ही जाऊँ, लेकिन याद रखना मैं ये कोलैबोरेशन नहीं होने दूंगी। फिर यहाँ पर वो लोग उसे रोकते हैं और यहाँ पर उसका हस्बैंड बोलने लगता है कि तुमने तो सुन ही लिया होगा कि मॉम क्या कहना चाहती है, तो फिर मॉम जैसा करने के लिए बोल रही है बस वैसा ही करो। यहाँ पर फिर उसका हस्बैंड बोलने लगता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम जिस लड़की को ढूंढ रही हो मैं वो हूँ ही नहीं। और वो अपने जेब से एक पेंडेंट निकाल के उसे दे देता है। यहाँ पर तो लियो को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पेंडेंट के बाद में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर अपने कार में बैठा होता है
वैन और वैन उस कैंडी को देख रहा होता है तो उसे बचपन की याद आती है कि उस लड़की ने उसे कैंडी दिया था तो वैन ने उसे अपना लॉकेट दिया था और वो लॉकेट तो उसने दिया था ल्यूक को, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। यहाँ पर उसका ड्राइवर बोलता है कि रिपोर्ट्स के अनुसार ल्यूक तो बहुत टाइम पहले कार एक्सीडेंट में मर चुकी है। यहाँ पर वैन बोलता है कि क्या पता वो अभी भी जिंदा हो, बस हमें पता ना हो। फिर यहाँ पर वैन उन दोनों को झगड़ते हुए देखता है। यहाँ पर लियो गुस्से में आकर उसकी मॉम को थप्पड़ भी मार देती है, साथ ही साथ वो डाइवोर्स पेपर्स भी साइन कर देती है। यहाँ पर उसका हस्बैंड उसे मारने के लिए आता है, लेकिन इतने में यहाँ पर वैन आकर उसे बचा लेता है। यहाँ पर लियो उसे बोलती है कि इतने साल तक मैंने तुम्हारी हेल्प की, मैंने तुम्हारे बिजनेस को आगे बढ़ाया, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ मैंने ही किया है। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि बेटा इस पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। फिर इसके बाद में वो वैन के साथ कार में बैठ कर चली जाती है और यहाँ पर वो लोग सोचने लगते हैं कि इतनी महंगी कार पूरे वर्ल्ड में, ये तो बस लिमिटेड एडिशन वाली कार है, तो इसके पास कैसे आई। यहाँ पर वो लड़की बोलने लगती है कि क्या पता उन लोगों ने कार रेंट पे ली हो, क्योंकि इतनी महंगी कार वो लोग खरीद भी नहीं सकते। यहाँ पर फिर वो लोग ड्रिंक करने चले जाते हैं और यहाँ पर लियू तो बोलने लगती है कि मैं लाइफ में जितनी भी चॉइसेस लेती हूँ न जाने क्यों वो हमेशा खराब ही निकलती है, और वो यहाँ पर रोने लगती है। यहाँ पर वैन से बोलता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम चाहो तो मेरा वो वाला डील अभी भी हाँ बोल सकती हो। तो लियो उसे बोलने लगती है कि तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता है, मेरा रियल नाम है, और इतना बोलते ही वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। यहाँ पर फिर वैन उसे अपने घर पर लेकर आ जाता है और यहाँ पर वो बहुत अच्छे से सोने लगती है। इसके बाद में जैसे ही वो सुबह वैन को देखती है वो डर जाती है। यहाँ पर लियो उसे बोलने लगती है कि कहीं तुमने मेरे साथ कुछ कर तो नहीं दिया। तो फिर वैन उसे बोलता है कि खुद ही याद कर लो कि कल मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया या फिर तुमने मेरे साथ। फिर लियू को याद आने लगता है कि वो इतने नशे में थी कि उसने वैन को कैसे कर दिया। फिर यहाँ से वो भाग जाती है। फिर यहाँ पर लियू अपने घर पर होती है तो उसका असिस्टेंट भी आता है, साथ ही साथ लियू को किसी का कॉल आता है और वो कॉल में उसे ग्रैंडपा के बर्थडे पर इनवाइट करता है, और ये ग्रैंडपा होते हैं उसके हस्बैंड के। और यहाँ पर लियू बोलने लगती है कि ग्रैंडपा के लिए एक अच्छा सा तोहफा तैयार करो। उसका असिस्टेंट बोलता है कि अब तो आपके हस्बैंड रहे नहीं। तो फिर लियू बोलने लगती है कि कोई बात नहीं, लेकिन वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव करते थे, तो मैं वहाँ पर जानना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि आखिर उनकी फैमिली में क्या न्यू अपडेट आया है। फिर यहाँ पर वो वाले पार्टी में चली जाती है जहाँ पर उसे उसके हस्बैंड की एक्स वाइफ बोलने लगती है कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। साथ ही साथ उसका हस्बैंड भी उसे बोलता है कि अब तो मैंने डाइवोर्स दे भी दिया तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। फिर यहाँ पर उसकी मॉम आकर उसको चिल्लाने लगती है और उसे धक्का मार मार कर बाहर निकालने वाली होती है, लेकिन इतने में ही उसके ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर ग्रैंडपा को उसका हस्बैंड सारी बात बताता है, लेकिन ग्रैंडपा उसे बोलने लगते हैं कि मेरी एक ही डॉटर इन लॉ है, वो है लियू, उसके अलावा मैं किसी और को डॉटर इन लॉ तो मानता ही नहीं हूँ। यहाँ पर तो उसकी मॉम उसका गिफ्ट लेके फेंक भी देती है और यहाँ पर उसकी हस्बैंड की वाइफ आने लगती है उसका गिफ्ट जो होता है एक कैलीग्राफी, और वो बढ़ा चढ़ा कर बोलती है कि ये तो 1 मिलियन का है। यहाँ पर लियो उस कैलीग्राफी को देख कर ही बोल देती है कि 1 मिलियन ये तो पूरा फेक है। यहाँ पर उसकी वाइफ बोलती है कि तुम जैसे डिलीवरी करने वाले को आकर इनकी कीमत कैसे पता होगी। इतने में वहाँ पर मास्टर गोंग आ जाते हैं तो सभी लोग मास्टर गोंग का विश्वास करते हुए उन्हें टेस्ट करने बोलते हैं। यहाँ पर तो वो गोंग भी बोल देता है कि ये तो पेंटिंग पूरी फेक है। यहाँ पर उसका हस्बैंड बोलने लगता है कि शायद किसी ने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया हो। तो फिर यहाँ पर लियू बोल पड़ती है कि भोलेपन का फायदा कोई इसका कैसे उठा सकता है, क्योंकि ये लड़की ही सबके भोलेपन का फायदा उठा लेती है। यहाँ पर उसके मामों से चुप रहने के लिए बोलती है और उसे कंटिन्यू सुनाई जाती है। यहाँ पर उसकी माम बोलती है कि अगर तुम्हें इतना ही चीज़ों के बारे में पता है तो तुम अपना गिफ्ट बता दो। तो फिर यहाँ पर लियू अपना गिफ्ट बताती है जो पेंडेंट होता है जेड का और वो होता है 50 मिलियन का। यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि रहने दो, तुमने इसे किसी स्टॉल से खरीदा होगा 100-200 रुपयों में, और यहाँ पर तुम बोल रही हो कि ये 50 मिलियन का है। इतने में ही एंट्री होती है जैंग की और यहाँ पर जैंग को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और यहाँ पर लियू का हस्बैंड भी जैंग की तारीफ करने लगता है। फिर बाद में लियू की मॉम जैंग को पूछती है कि बेटा जरा ये देख के बताना कि इस पेंडेंट का वर्थ कितना है।
यहाँ पर जैंग उसको देखता है और यहाँ पर वो बोलने लगता है कि ये पेंडेंट तो बहुत कीमती और मामूली है, तो फिर इसका वर्थ है 10 मिलियन से भी बहुत ज़्यादा, यानी कि 50-60 मिलियन के आसपास। यहाँ पर उसकी मॉम शॉक हो जाती है, लेकिन फिर बाद में उसे लग रहा होता है कि क्या पता इसे पढ़ना ही नहीं आता हो या फिर इसे समझ ही नहीं आता हो, तो फिर वो उसे उटपटांग बातें बोलने लगती हैं। यहाँ पर जैंग को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे नहीं पसंद कोई उसकी बुराई करे, तो फिर वो उसे एक थप्पड़ लगा देता है। यहाँ पर फिर जैंग सभी को उसकी रियल आइडेंटिटी बताने लगता है और कहने लगता है कि लियू कोई मामूली इंसान नहीं है, ये बड़े गु फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है और इसे घर से निकाल दिया गया था, लेकिन वो खाली इतना ही बोलता है। तो फिर वहाँ पर उसका हस्बैंड बोलने लगता है कि तुम चाहती हो तो हम एक बार फिर से वापस से शादी कर सकते हैं, मैं तुम्हें इनकार नहीं करूँगा। फिर यहाँ पर जैंग बोलता है कि लेकिन उसे घर से निकाल दिया गया, तो उसकी मॉम बोलने लगती है कि देखा, सबको समझ में आ गया कि वो किसी काम की नहीं है, इसलिए उसे निकाल दिया गया। फिर यहाँ पर उसका हस्बैंड बोलने लगता है कि मैंने अभी जो कुछ भी कहा उसे भूल जा, और वैसे भी तुमसे कौन शादी करना चाहेगा, क्या पता तुमने ये पेंडेंट चोरी कर लाया हो। यहाँ पर फिर बाद में जैंग भी उसकी बुराइयां करने लगता है, तो फिर लियू उसे उल्टा फुल्टा बोल देती है, तो सैंग उसे बोलने लगता है कि अभी के अभी नील डाउन कर मुझसे माफ़ी मांगो। यहाँ पर उसे ग्रैंडपा को बहुत गुस्सा आता है, तो उसका ग्रैंडपा सभी को सुनाकर बोलने लगता है कि कोई भी मेरे डॉटर इन लॉ लियू से कुछ भी नहीं करवाएगा, और तुम्हारे पास इतना पैसा आ गया जो तुमने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया किसी और के लिए, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम ऐसे निकलोगे। और यहाँ पर उन सबका झगड़ा होने लगता है, यहाँ पर लियू को गुस्सा आ जाता है और सबसे पहले वो थप्पड़ मारती है अपनी मदर इन लॉ को, फिर बाद में वो उसकी साइड चिक को थप्पड़ मारती है, और यहाँ पर वो जैंग को बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगी, लेकिन यहाँ पर वो उसे लात से उसके प्राइवेट पार्ट पर मार देती है, और यहाँ पर जैंग को इतना पेन हो रहा होता है कि वो तो बेहोश ही हो जाता है। यहाँ पर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं उसके गरीब होने का। यहाँ पर लियू क्या करती है, वो फटाक से किसी को कॉल लगाती है और बोलने लगती है कि तुम्हारी जो डील थी मैं वो आज की आज पक्की कर रही हूँ, तो शादी का कार्ड लेकर यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद में वैंग यहाँ पर आ जाता है, फिर बाद में लियू से पूछती है कि मैंने जो कहा था वो तुमने लाया, तो फिर यहाँ पर वैंग एक एक करके अपने सारे प्रीशियस गिफ्ट्स दिखाने लगता है। यहाँ पर उसके घर वाले गिफ्ट्स को देखकर शॉक हो जाते हैं, फिर उसका एक्स हस्बैंड बोलने लगता है कि ये तो वही लड़का है जो उस दिन तुम्हें लेकर गया था, हाँ मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें फेक होंगी। तो उसकी मॉम भी बोलने लगती है कि हाँ बॉडीगार्ड्स भी तुमने रेंट पर लिए होंगे और ये सारी चीजें फेक होंगी, लेकिन यहाँ पर जैंग उसे पहचान लेता है और बोलने लगता है कि नहीं, ये तो वैंग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और वैंग ग्रुप का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट। फिर यहाँ पर उसकी मॉम अपने चाल ढाल बदल देती है और वैंग से माफी मांगने लगती है और बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम रियल लाइफ में वैंग होगे, क्योंकि न जाने आजकल बहुत सारे लोग वैंग बनने की नाटक करते हैं। यहाँ पर वैंग उन लोगों की बातें बिल्कुल नहीं सुनता और वो अपने जेब से एक मैरिड वाला रिंग निकालता है और यहाँ पर नीचे बैठकर वो लियू को प्रपोज करता है और उसे वो रिंग पहना देता है। यहाँ पर लियू भी उससे शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। यहाँ पर जैंग को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वैंग की कंपनी और जैंग की कंपनी दोनों कॉम्पिटिटर्स है, तो जैंग गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर उसकी मम्मा बोलने लगती है कि ज़्यादा बड़ा बनने की कोशिश मत करो, मेरे बेटे को भी बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। यहाँ पर उसका बेटा लियू को बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, चेन फैमिली से ज़्यादा बड़ी वैन फैमिली है, तो फिर अपने औकात में रहना। वो ऐसा बोलता है, ये बात सुनकर वैन को गुस्सा आता है, तो वैन तो उसे थप्पड़ी मार देता है। यहाँ पर उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है कि कैसे उसके बेटे को किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो फिर यहाँ पर वो उसकी प्रेजेंट वाइफ को बोलने लगती है कि अभी के अभी अपने डैड को कॉल लगवाओ और वैन के साथ कोलैबोरेशन बंद कर दो। लेकिन उसकी वाइफ यहाँ पर बहाने मारने लगती है कि इतनी सी छोटी सी बात के लिए मैं डैड को क्यों कुछ बोलूं। इतने में ही वहाँ पर आ जाता है लियू का असिस्टेंट और यहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि मैं आज बिजनेस के काम से आया हूँ, और वो उसे बताने लगता है कि हमारी मैडम आपके साथ सारे कोलैबोरेशन कैंसिल कर रही है, यहाँ उन सब बुद्धियों को तो पता ही नहीं होता कि वो मैडम लियू है। यहाँ पर फिर वो लोग घबरा जाते हैं, तो वो लोग बाकी के आए हुए गेस्ट को बोलने लगते हैं कि हम तो सिर्फ मजाक ही कर रहे थे, इन लोगों को तो ये सारी चीजें सीरियस में लग गई। यहाँ पर वैंग बोलता है
कि ये सारी मजाक लगती है आपको, तो फिर यहाँ पर गेस्ट भी बोलने लगते हैं कि हाँ इन पे इतना क्रूअल मत बनिए, ये तो बस मजाक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर वैंग सबको बोल देता है कि मुझे ये बिल्कुल भी मजाक नहीं लग रहा था जहाँ पर मेरी वाइफ की बेइज्जती हो रही थी। तो कोई भी अगर इनके साथ में कोलैबोरेशन करेगा या इनकी हेल्प करने की कोशिश करेगा, मैं उनके साथ हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दूंगा और उनकी कंपनी भी डूब जाएगी। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो उसकी मॉम उसे ग्रैंडपा को बोलने लगती है कि प्लीज़ आप ही इन्हें कुछ समझाओ क्योंकि ये शायद आपकी बात सुन ले। लेकिन उसके ग्रैंडपा उसे उल्टा जवाब देकर बोलने लगते हैं कि क्यों, मैं क्यों इन्हें कुछ कहूँ, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ ना और मेरा दिमाग अब इतना चलता भी नहीं है। तुमने ही कहा कि मेरा दिमाग अब सड़ चुका है तो मैं क्यों अब अपना दिमाग यूज़ करूँ। फिर यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पर लियू उस पेंडेंट को देख लेती है, लेकिन इतने में ही वैंग आ जाता है तो उसके हाथों से वो पेंडेंट छूट जाता है, लेकिन फिर उसे वो लेके छुपा लेती है अपने पीछे। यहाँ पर वैंग से बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता जैसे ही तुमने किसी को कॉल किया तो फटाक से उस मैडम वाले कंपनी ने उनका सारा कोलैबोरेशन खत्म कर दिया, तुम्हें इसमें कुछ ताल में काला नहीं लग रहा। यहाँ पर लियू बोलने लगती है क्यों तुम्हें लगता है वो मैडम मैं हूँ, तो फिर वैंग बोलने लगता है कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। तो लियू बोलती है कि हाँ फिर मैं तो बस डिलीवरी वुमन हूँ, मेरे पास इतनी पावर कहाँ से आएगी। फिर यहाँ से लियू अपनी स्कूटी पर चली जाती है तो दूसरा वैंग सोच में पड़ जाता है कि इसमें कुछ तो बात है। यहाँ पर फिर बाद में हम उसके एक्स हस्बैंड ली को देखते हैं जो टेंशन में आकर सोच रहा होता है कि अभी तो उसकी कंपनी आधी बैंकरप्ट गई है, फिर पूरी चली जाएगी, फिर वो क्या करेगा। यहाँ पर उसकी मॉम उसे खाना खिला रही होती है। इसके बाद में ली अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि क्यों ना तुम अपने डैड से बात करके देखो तो क्या पता वो हमारी कुछ हेल्प कर पाए, क्योंकि चाइना में कोई भी कंपनी हमारी हेल्प करने की नाम ही नहीं ले रही है। फिर यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि ठीक है मैं कोशिश करके देखती हूँ, तो वो अपने डैड को कॉल लगाकर बताने लगती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ली की जो कंपनी है वो फिलहाल बैंकरप्ट हो गई है। फिर उसका डैड उसे कंपनी का नाम पूछता है और नाम पूछते ही उसका डैड उस पर चिल्ला उठता है और बोलने लगता है कि वैंग की जो कंपनी है वो बहुत बड़ी है और हमें उनसे पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना, तो तुम भी अपनी टांग इसमें लड़ाना बंद करो। फिर यहाँ पर वो उन्हें बहाना मारकर चली जाती है। यहाँ पर ली बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो उसकी मॉम उसे बोलने लगती है कि काम करो, तुम सीधा गु से बात करो, वो तो वहाँ का सीईओ है, शायद तुम्हारी अच्छी और मीठी मीठी बातों से वो तुम्हारी बातों में आ जाए और वो वापस से सारे कोलैबोरेशन तुम्हारे साथ ही करने लगे। यहाँ पर इसके बाद में हम देखते हैं कि लियो और वैंग गार्डन में वॉक कर रहे आते हैं और वैंग ने उसके लिए स्ट्रॉबेरी वाला बोबाची लाया होता है। तो लियो से पूछने लगती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये फ्लेवर पसंद है, तो वैंग बोलने लगता है क्योंकि मैंने तुम्हारी बैकग्राउंड सब कुछ चेक कर लिया है, तुम्हें खाने से लेके पीने तक, सोने तक, उठने तक, जागने तक जो कुछ भी पसंद है वो सब मुझे पता है। तो फिर यहाँ पर लियू उसे एक साइकोपैथ किलर की तरह देखने लगती है और यहाँ पर वो उसके लिप्स पे लगे दाग को साफ कर रहा था, तो उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सा सीन बन जाता है। और इतने में ही वहाँ पर ली आ जाता है जो लियू का हाथ पकड़ लेता है। तो वैंग बोलता है कि मेरी वाइफ का हाथ छोड़ो। यहाँ पर लियू उसके साथ बात करने के लिए चली जाती है तो ली उसे बहला फुसला कर बोलने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी मॉम ने मुझे मैनिपुलेट कर दिया था, लेकिन मैं अभी मेरी मॉम को हमेशा के लिए छोड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए, तो क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी। यहाँ पर लियू उसे बोलने लगती है शादी वापस और तुम्हारे साथ, तुम क्या थोड़े से पागल हो या फिर तुम मुझे ही पागल समझ रहे हो कि जब जब तुम मेरा यूज करना चाहोगे मैं तुम्हें अपना यूज करने दूंगी। एक तो तुमने मुझ पर इतने सालों से चीट किया है बिना मुझे पता लगे और तुम्हें लगता है कि मैं वापस तुम पर ट्रस्ट करूंगी। यहाँ पर उसके बाद में ली बोलने लगता है तो कम से कम जाके वैंग से बात तो करो मेरे लिए, अगर तुम बात करोगे तो वो तुम्हारी बात सुन लेगा और मेरी हेल्प करेगा। यहाँ पर ली उसे ना बोलकर जा रही होती है तो ली उसका हाथ पकड़ कर बोलने लगता है कि तुम कितनी क्रूअल हो, यहाँ पर मैं तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। फिर यहाँ पर वैंग आ जाता है और उसे बोलने लगता है अगर हेल्प मांग रहे हो तो भीख मांग के हेल्प करो, इस तरीके से अपना ताना मत सुनाओ। और यहाँ पर वैंग उसे बोलता है कि तुम नील डाउन कर मुझसे माफी मांगो तो मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ। यहाँ पर ली लियू को बोलने लगता है कि कम से कम कुछ तो बोलो इसे, ये मुझे नील डाउन करके भीख मांगने के लिए बोल रहा है। तो फिर ली उसे बोलने लगती है हाँ तो इसमें कौन सी गलत बात बोल रहे हो,
तो करते रहो, अगर तुम करोगे तो ही तो तुम्हें माफ़ी मिलेगी। यहाँ पर ना चाहते हुए भी ली को नीचे बैठना पड़ता है और वो वहाँ पर जैसे ही सॉरी बोलता है उसकी मम्मा पीछे से आ जाती है और उसकी मम्मा को लग रहा होता है कि दोनों के दोनों उसके बेचारे भोले से बेटे को पिली कर रहे हैं और वो आकर सीधा अटैक करने वाली होती है लियू पे, लेकिन यहाँ पर वैंग उसे बचा लेता है और साथ ही साथ में लियू उसकी मम्मा को थप्पड़ भी मार देती है और बोलने लगती है कि अब तो मैं आपकी बहू नहीं हूँ और बहू होती और आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती तो भी मैं आपको थप्पड़ मार देती क्योंकि आप इंसान बोलने के लायक ही नहीं हो। यहाँ पर फिर भी वो उससे माफ़ी मांगने लगता है। इसके बाद में लियू उसे बोलता है कि तुम कैसी हो, अगर तुम्हारे ग्रैंडपा को कुछ हो गया तो, क्योंकि मेरी अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी तो मैं ग्रैंडपा को कैसे खिलाऊंगा पिलाऊंगा। यहाँ पर फिर लियू वैंग को देखने लगती है तो वैंग बोलता है कोई बात नहीं मैं समझ सकता हूँ, तो फिर यहाँ पर वैंग उसे माफ कर देता है। इसके बाद में वो चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर आ जाती है ली की गर्लफ्रेंड और उसे बोलने लगती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो वो उसे बोलने लगता है कि तुम तो मुझसे बात ही मत करो, मुझे यहाँ पर नील डाउन होना पड़ा अपनी माफी के लिए। यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि ऐसा क्यों, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, वो लोगों ने कोलैबोरेशन इसलिए एंड किया क्योंकि कुछ और वजह थी, ना कि वैंग ने उन्हें बोला। और यहाँ पर वो उन्हें झूठ झूठ बोलने लगती है, साथ ही साथ वो उन्हें एक इवेंट के बारे में बताने लगती है जो एक कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाला था और वो उसे भी वहाँ जाने के लिए बोल देती है। फिर यहाँ पर लियू और वैंग दोनों साथ में स्कूटी पर आते हैं। यहाँ पर लियू उसे बोलती है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, तो वो उसे एक प्रीशियस लेफ्टर वाला गिफ्ट देती है। यहाँ पर वैंग उस गिफ्ट को देख के शॉक हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा लग्जरियस और एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पर वैंग को किसी का कॉल आता है तो वो अर्जेंटली वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम ली को और उसकी मम्मा को और साथ ही साथ उसकी गर्लफ्रेंड को वो वाले इवेंट में जाते हुए देखते हैं जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड का इनविटेशन कार्ड तो होता है लेकिन ली की कंपनी का नहीं। और यहाँ पर वो गार्ड से बोल देता है कि आप ही कंपनी में से किसी को भी अंदर आना अलाउड नहीं है और हमें कहा गया है कि आपको बाहर से धक्के मारकर भेज दिया जाए। तो फिर यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे पैसे देने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पर गार्ड उस पर और भी भड़क जाता है। यहाँ पर फिर वो तीनों सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या करे कि उन तीनों को अंदर जाने की एंट्री मिल जाए। इतने में ही वहाँ पर आ जाती है लियू जिसके आसपास बॉडीगार्ड्स होते हैं और यहाँ पर उसकी मॉम सीधा उसके पास चली जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हारी वजह से हमें अंदर जाने नहीं मिल रहा। यहाँ लियू बोलती है मेरी वजह से, तो फिर उसकी मॉम बोलने लगती है कि हाँ तुम्हारी वजह से हमारा इनविटेशन कैंसिल हो गया। तो लियू बोलती है कि मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, मुझे यहाँ से जाने दो। फिर उसकी मॉम उसे चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है। यहाँ पर लियू ने तो बस उससे टच ही किया था तो उसकी मॉम मर्डर मर्डर करके चिल्लाने लगती है। यहाँ पर लियू बार बार अपनी वॉच को देख रही थी क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था। तो फिर यहाँ पर वो बोल देती है कि ठीक है रोने का नाटक बंद करो, मैं एक इनविटेशन दे रही हूँ। यहाँ पर वो उसे ब्लू कलर का इनविटेशन देती है तो उसकी मॉम को वो फेक लगने लगता है। साथ ही साथ में ली की गर्लफ्रेंड भी बोलने लगती है कि ये तो पूरा फेक इनविटेशन है, मेरा इनविटेशन रेड है और तुम्हारा ब्लू और इसमें तो कोई स्टैम्प भी नहीं है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तो हाथ से बस लिख दिया हो। यहाँ पर उसकी मॉम को इतना गुस्सा आता है कि वो इनविटेशन फाड़ देती है और आगे सीधा लियू को मारने वाली होती है लेकिन लियू आगे बढ़ के उसे थप्पड़ मार देती है और बोलने लगती है कि अभी तक तुम नहीं सुधरी, मैं तुम्हें इतनी बार थप्पड़ मार चुकी हूँ फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगी और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनविटेशन था जो तुमने फाड़ दिया। फिर यहाँ से वो चली जाती है। दूसरी ओर एक मेड आती है जो उस इनविटेशन कार्ड को देख कर बोलने लगती है कि कौन पागल है जिसने इतना महंगा इनविटेशन फाड़ दिया। यहाँ पर वो बताने लगती है कि ऐसा इनविटेशन खाली 5 स्पेशल जनों को दिया जाता है। फिर यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड बोलने लगती है कि मॉम उसकी बातों में मत आइए, क्या पता उसने वो इनविटेशन बैंक से चुराया हो क्योंकि एक डिलीवरी गर्ल को इतना प्रीशियस इनविटेशन कहाँ से ही मिलेगा। यहाँ पर ली बोलने लगता है कि क्या पता सच में उसका वो इनविटेशन हो, तो उसकी मॉम उसे बोलने लगती है कि बेटा अपनी गर्लफ्रेंड पर विश्वास रखो, अभी तो तुम्हारी शादी होने वाली है। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलने लगती है कि इतना जल्दी नहीं, पहले मुझे एक घर खरीद कर दो। तो फिर उसकी मम्मा हाँ बोल देती है। फिर यहाँ पर हम वैंग को देखते हैं जो कि एक कॉम्पिटिटर से बात कर रहा होता है और वो उसे बोलने लगता है कि ये प्रोजेक्ट तो हम दोनों का था, तो फिर तुम यहाँ पर कैसे प्रोजेक्ट से पीछे हट रहे हो। वहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि मैं इस प्रोजेक्ट से इसलिए हट रहा हूँ क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे ऐसा करने से कहा है। तो फिर वैंग उसे बोलने लगता है कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, जल्द से जल्द उस कॉन्ट्रैक्ट को वापस रिन्यू करो। यहाँ पर वो असिस्टेंट बोलता है कि ठीक है 1 बिलियन दे दो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दूंगा। यहाँ पर वैंग उसे बोलता है कि 1 बिलियन मैं क्यों पे करूँ।
क्योंकि जो भी प्रॉफिट अमाउंट होने वाला है वो हम दोनों की कंपनी में इक्वली बिकने वाला है। फिर यहाँ पे इतने में ही जैंग आ जाता है और हमें पता चल जाता है कि ये सारी चीजें जैंग की है। तो फिर जैंग उसे बोलने लगता है कि क्यों, तुम्हें तो बड़ा घमंड था ना अपनी कंपनी पर। यहाँ पर वैंग बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम देखते जाओ बस। यहाँ पर जैंग उसे बोलने लगता है कि ये प्रोजेक्ट अब सिर्फ मेरा होके रहेगा ना कि तुम्हारा, और देखना इस वजह से तुम्हारी कंपनी को कितना लॉस होगा। इतने में ही वहाँ पर लियो आ जाती है जो बोलने लगती है कि मैं भी देखती हूँ कि कैसे मेरे हस्बैंड वैंग की कंपनी को लॉस होता है और कौन है वो जिसकी इतनी हिम्मत है जो उन्हें लॉस करवाए। यहाँ पर वैंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो लियो बोलने लगती है कि इतनी बार तुमने मेरी हेल्प की है तो आज मैं तुम्हारी ही हेल्प कर देती हूँ। यहाँ पर फिर जैंग का असिस्टेंट बुरा भला बोलते हुए आ रहा होता है लियो की तरफ और लियो उसे जोर से चमाट मार देती है। फिर यहाँ पर जैंग बोलने लगता है कि तुम तो बस हाउस वाइफ हो, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकती हो। यहाँ पर वैंग से बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं ये मैटर सॉल्व कर दूंगा। तो फिर लियो बोलती है कि मुझ पर भरोसा रखो, और यहाँ पर वो सबसे पूछती है कि हमारी कंट्री की फेमस एक्ट्रेस कौन है, तो फिर वो शिव का नाम लेते हैं। यहाँ पर लियो शिव को कॉल लगाती है और उसे 10 मिनट्स के अंदर अंदर वहाँ पर आने के लिए बोलती है। तो फिर जैंग का असिस्टेंट हंसकर बोलने लगता है कि शिव और यहाँ पर आएगी तुम्हारे बुलाने पर, अगर वो यहाँ पर आ गई तो मैं अपने कपड़े निकाल दूंगा और पूरे ऑडिटोरियम में वैसे ही घूमूंगा। तो फिर लियो उसे बोलती है कि ठीक है, अपनी बस बात को याद रखना जो कुछ भी तुमने अभी कहा है। यहाँ पर जैंग बोलने लगता है कि शिव तुम्हारी बात क्यों ही सुनेगी, क्योंकि शिव तो मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसे तो वही करना होगा जो मैं उसे कहूँगा। यहाँ पर 10 मिनट्स हो जाते हैं लेकिन कोई भी नहीं आता। तो फिर जैंग हंसकर बोलने लगता है कि 10 मिनट हो गया, अब क्या हमें पूरा दिन रुकना होगा। यहाँ पर शयु आ जाता है और शयु लड़की नहीं बल्कि लड़का होता है जो कि एक स्पोक्स पर्सन था। फिर यहाँ पर वो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ पर जैंग उसे बोलने लगता है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तो हमारी कंपनी के साथ है तो फिर तुम इनके लिए कैसे काम कर सकते हो। यहाँ पर शिव बोलने लगता है कि मैं काम किसी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करता हूँ, तो मेरी मर्जी जिसके साथ होगी मैं उसके साथ काम करूँगा। यहाँ पर फिर बाद में लियो उसके असिस्टेंट को याद दिलाने लगती है कि अब तुम्हें याद ना हो तो तुम्हें 2 बिलियन हमें पे करने हैं। फिर यहाँ पर असिस्टेंट सीधा जैंग को बोलने लगता है और जैंग तो अपने असिस्टेंट पर गुस्सा ही हो जाता है और बोलने लगता है कि फालतू सी बेट तो तुमने लगाई थी, तो तुम 2 बिलियन देखो, मैं क्यों तुम्हारी जिम्मेदारी लूँ। और यहाँ पर बॉडीगार्ड्स उसके असिस्टेंट को लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर जैंग अब उस शिव को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था लेकिन शिव ऐसा नहीं कर रहा था। और यहाँ पर लियो को तो इतना गुस्सा आता है कि वो उसे बोल देती है कि इतना गुरूर अच्छा नहीं है, तुम 2 मिनट बस रुको। फिर यहाँ पर वो किसी को तो कॉल पे बोलती है कि जैंग की कंपनी के सारे स्टॉक्स नीचे गिरा दो। और यहाँ पर जैंग उसे सीरियसली देखता है, फिर हंसने लगता है और बोलने लगता है कि लगता है तुमने सब कुछ बार्बी गेम्स का खेल समझ रखा है, तुम अपने रियल लाइफ में कब आओगे लियो। लेकिन यहाँ पर तो जैंग को कॉल आ जाता है। फिर यहाँ पर जैंग कॉल कर हंसकर बोलने लगता है कि तुम्हें लगा मेरे स्टॉक गिर जाएंगे, बट मेरे स्टॉक सब डबल हो गए हैं। फिर यहाँ पर लियो को समझ नहीं आता लेकिन फिर लियो बोलने लगती है कि कोई बात नहीं, 10 मिनट तो अभी पूरे भी नहीं हुए हैं। और उसी के 2 मिनट बाद उसके डैड का कॉल आने लगता है। तो फिर जैंग उसे स्पीकर पर रखता है ताकि उन सबको समझ में आए कि मेरा स्टॉक डबल होता जा रहा है। फिर उसका डैड तो उसी पर चिल्लाने लगता है कि तुम ऐसा कैसा काम कर रहे हो कि स्टॉकिंग सिस्टम में सब वायरस घुस गए हैं और यहाँ पर हमारे स्टॉक्स नीचे गिरते जा रहे हैं। फिर यहाँ पर जैंग हड़बड़ा जाता है। इतने में ही वहाँ पर आ जाती है उसकी फियांसी शीन, और यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि बहुत हो गया तुम लोगों का, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि बर्बादी किसे कहते हैं। यहाँ पर शीन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और बोलती है कि लियो मेरी बड़ी बहन जैसी है और हमें मिले हुए 10 साल हो गए, इसे तो हमने घर से निकाल दिया था और ये तो बस एक नॉर्मल डिलीवरी पर्सन है, न जाने तुम्हारी मदद कर करके भी ये कितनी मदद करेंगी। फिर यहाँ पर लियो से बोलती है जरा इधर तो आना। फिर बाद में शीन उसके पास आती है तो लियो उसे थप्पड़ मार देती है और बोलने लगती है कि बकवास करके हो गया तो निकलो यहाँ से। इसके बाद में शीन वापस कुछ बोलना चाहती है तो लियो वापस से थप्पड़ मार देती है। यहाँ पर शीन चिल्ला उठती है तो फिर जैंग उसे मारने वाला था लेकिन वैंग जैंग का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पर फिर वो लोग गुस्सा होकर चले जाते हैं जहाँ पर वो तीनों के तीनों लड़के लियो को ऐसे थम्स अप दिखाने लगते हैं कि वेल जॉब लियो। फिर यहाँ पर वो उसे पूछने लगता है
कि आखिर तुमने उसके स्टॉक्स कैसे गिराए, तो बोलती है कि मैंने तो बस तुक्का मारा। फिर उसे पूछता है कि ये शिव तुम्हारा फ्रेंड कैसे है, तो यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि स्कूल में तो हम साथ में थे। इसके बाद में शिव और वैंग अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और यहाँ पर वैंग को उसके गले में वो सेम लॉकेट दिखता है, तो वो उसे मांगता है लेकिन उसका टेक्सचर थोड़ा अलग होता है। तो फिर वैंग उसे पूछता है कि तुमने ये लॉकेट कहाँ से बनवाया, तो वो उसे बताने लगता है कि मैंने एक बार एक लड़की के गले में इसे पहना हुआ देखा था, तो फिर मैंने डिट्टो अपने लिए बनवा लिया। यहाँ पर वो उस लड़की के बारे में पूछता है लेकिन वो उसे बताने लगता है कि उसे नहीं याद कि उसने ये कौन सी लड़की के गले में देखा था। यहाँ पर लियो उसके घर होती है तो वो लॉलीपॉप देखती है और वो सोचने लगती है कि ये इतना बच्चा है जो अभी भी लॉलीपॉप खाता है। और यहाँ पर लियो और वैंग एक घर खरीदने आते हैं जो होता है तिरामिसु विला में, और तिरामिसु विला बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। फिर यहाँ पर दूसरी ओर हम लियो और उसकी गर्लफ्रेंड को भी देखते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे वहीं पर बंगलो खरीदने को बोलती है। यहाँ पर वो उसे बोलता तो है कि यहाँ पर तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो फिर वो उसे बोलने लगती है कि हाँ तो मेरी इतनी ही ज्यादा स्टैंडर्ड है तो मैं यही लूंगी ना। यहाँ पर उतने में ही वहाँ पर लियो आ जाती है, तो फिर यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे देखकर बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे शादी करने वाला है, साथ ही साथ वो मुझे यहाँ पर घर भी दिखा रहा है। यहाँ पर उसकी मॉम लियो को देखकर भला बुरा वाला बातें वापस से शुरू कर देती है और हमारी लियो आगे बढ़कर सीधा उसे एक चमाट लगा देती है। यहाँ पर फिर बाद में उसकी गर्लफ्रेंड चिल्ला चिल्ला कर मैनेजर को बुलाती है। वो मैनेजर जैसे ही वहाँ पर आता है वो उसे देखकर बोलने लगता है कि तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो, क्यों ना मेरे ऑफिस में चलो, हम थोड़े से गेम्स खेलते हैं। यहाँ पर लियो बोलती है कि हाँ क्यों ना, तुम चलने लायक बचोगे तो ना। फिर यहाँ पर वो उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर से लात मार देती है, यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लगता है। इतने में ही वहाँ पर वैंग आ जाता है, तो फिर वैंग और मैनेजर दोनों आपस में बात करते हैं और वैंग उसे बोलता है कि मेरे फियांसे है, तो फिर मैनेजर डर जाता है और यहाँ पर वो मैनेजर उससे माफी मांगने लगता है। दूसरी ओर वैंग बोलता है कि तुम्हें जो घर लेना है तुम ले सकती हो, तो फिर यहाँ पर वो उसे बोलती है कि हाँ मुझे बस इन लोगों से ज्यादा बड़ा लेना है, तो फिर वैंग उसे अपना ब्लैक कार्ड दे देता है। दूसरी ओर उसकी गर्लफ्रेंड मैनेजर को लेके साइड में बात करने जाती है, यहाँ पर वो उसे कुछ खुराफाती काम करने को बोलती है लेकिन वो ना बोल देता है। फिर भी यहाँ पर वो उसे बोलती है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे प्रीवियस वीडियोस लीक कर दूंगी फ्रॉड के, फिर तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। यहाँ पर उस मैनेजर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देता है। यहाँ पर फिर वो लोग घर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वैंग उसे बॉल के अगेंस्ट स्पिन करता है और बोलने लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर यहाँ पर लियो से पूछती है कि क्या सच में, तो वैंग बोलता है कि हाँ सीरियसली, लेकिन यहाँ पर लियो से दूर हटाकर बोलती है कि तुम में और मुझ में बहुत फर्क है, यहाँ पर मैं डाइवोर्स ही हूँ और साथ ही साथ मेरे बच्चे भी है। यहाँ पर वैंग बोलता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हारे बच्चे कहाँ पर है, तो फिर वो बोलती है कि डिलीवरी का काम करते करते मैं 3 बच्चों को उनकी स्टडी स्पॉन्सर कर रही हूँ, तो फिर वो मेरे ही बच्चे हुए ना। यहाँ पर वैंग उससे बोलता है कि अगर तुम चाहती हो तो फिर हम एक काम कर सकते हैं, हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट फंड ओपन करते हैं जहाँ पर तुम जितने बच्चे को चाहो मन लगाकर पढ़वा सकती हो और वो भी मुफ्त में। इसके बाद में हम वैंग के मामा पापा को देखते हैं जो शीन के साथ बैठे होते हैं। यहाँ पर वैंग आकर उन्हें सारी चीजें लियो के बारे में बताने लगता है। यहाँ पर बैठी हुई शीन उनके मामा पापा को बोलने लगती है कि आपको तो बस इतनी सच्चाई पता है, वो मेरी बहन है और हमने उसे घर से निकाल दिया था। यहाँ पर उसके मॉम डैड गुस्सा आ जाते हैं और वैंग उन्हें समझा नहीं पाता और यहाँ पर वो लोग वैंग को कमरे में बंद कर देते हैं ताकि वैंग की शादी शीन से हो जाए और वैंग कहीं पर भी भाग ना पाए। फिर यहाँ पर वैंग अपने घर पे बैठे बैठे बहुत ड्रिंक कर रहा होता है। यहाँ पर दूसरी ओर लियो से कॉल कर बोलती है कि तुम 3 दिन में तो किसी और के साथ शादी करने वाले हो, तो फिर यहाँ पर वैंग उसे बोलने लगता है कि मुझे उसे शादी नहीं करनी लेकिन जबरदस्ती मुझे ऐसा करना पड़ रहा है और यहाँ पर मुझे लॉक कर कर रखा गया है। यहाँ पर लियो बस इतना बोलकर गॉड कर देती है कि मुझ पर विश्वास रखो। यहाँ पर वैंग टेंशन में आ जाता है। फिर यहाँ पर वो आ जाती है वेडिंग ड्रेस खरीदने और उसे बोलने लगती है कि मैं डिलीवरी का काम करती हूँ तो ऐसा ड्रेस चाहिए जो खराब ना हो। यहाँ पर वो स्टाफ बोलने लगती है कि ऐसी ड्रेस तो हमारे यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, आप देख रहे हो कितनी महंगी शॉप है, आप इसे अफोर्ड नहीं कर पा
पाओगे। यहाँ पर वो उसे अपना कार्ड बताती है। इतने में ही वहाँ पर वी आ जाती है जो वैंग के साथ शादी करने वाली थी। यहाँ पर वी बोलने लगती है कि सपना देखना बंद करो, उसकी शादी मेरे साथ होने वाली है। फिर यहाँ पर वो अपना कार्ड स्वाइप करती है तो 1 बिलियन ट्रांसफर हो जाता है। और यहाँ पर उसे वो बोलने लगती है कि देखा वी, तुम्हारी और मेरी क्या औकात है, मेरे पास 1 बिलियन है लेकिन तुम्हारे पास 1 मिलियन भी नहीं है खुद के। यहाँ पर वी उसे बुरा भरा बोलने लगती है और हमारी लियो एज यूजुअल उसे अपने पास बुलाती है और थप्पड़ मार देती है। यहाँ पर वो वेडिंग वाला दिन आ ही जाता है जहाँ पर वैंग तो अपने हाथ खोलने के लिए भी रेडी नहीं था। यहाँ पर सभी लोग उससे बोलने लगते हैं कि अब तो शादी कर लो। इतने में ही वहाँ पर लियू की एंट्री होती है और लियू उसे बोलने लगती है कि ये तो बस मुझसे शादी करेगा क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो तुम्हें मुझे डाउरी देनी होगी जो होगा 200 मिलियन। फिर यहाँ पर लियू अपने गार्ड्स को बुलाती है जो उसके लिए 200 मिलियन साथ ही साथ का बड़ा सा पेंडेंट लाते हैं और बोलने लगती है कि इसे लो और दफा हो जाओ। यहाँ पे वो गार्ड बोलता है कि हम आप पर भरोसा कैसे करें कि आप लॉर्ड फैन हो। यहाँ पर लॉर्ड फैन उसी कंपनी की मालकिन होती है और ये लियू का दूसरा नाम होता है लेकिन उनमें से किसी को भी पता नहीं होता। यहाँ पर लियू उन सबको अपनी रिंग बताती है और वो रिंग को वो गार्ड पहचान लेता है तो वो नीचे जमीन पर ली डाउन कर उससे माफी मांगने लगता है। और यहाँ पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो लॉर्ड फैन है। यहाँ पर शिन बोलने लगती है कि क्या पता वो रिंग फेक हो या फिर उसने चुराई हो। तो फिर वो गार्ड बोलने लगता है कि अगर हमें पता चला ये रिंग फेक है या फिर इसे चुराया गया है तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। पर लियू अपने घर पे बैठी होती है अपने असिस्टेंट के साथ और वो जो ग्रीन वाला गार्ड होता है वो उसके असिस्टेंट का असिस्टेंट होता है। वो फटाक से आकर बोलने लगता है कि हमारे मैडम का रिंग चोरी हो गया। फिर वहाँ पर वो लियू को बैठा हुआ पाता है। लियू उसे देखने लगती है, वो बोलने लगता है कि यही वो औरत है जिसने चोरी किया। यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे टपली मारता है और बोलने लगता है कि ये हमारी मैडम है। और यहाँ पर फिर वो उसे वापस से माफ़ी मांगने लगता है और बोलने लगता है कि मैंने आपको आज तक देखा ही नहीं तो मुझे कैसे समझ आएगा कि आप वही थे करके, मुझे सच में माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर इसके बाद में हम देखते हैं कि वैंग एक अनजान होटल रूम में होता है जहाँ पर एक लड़की आ जाती है और उसे बोलने लगती है कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड ने मेरी शादी तुम्हारे साथ अरेंज करवाई है। यहाँ पर वैंग उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे अब और लड़कियाँ मेरी लाइफ में नहीं चाहिए, मैं बस एक लड़की से स्टिक होना चाहता हूँ। और यहाँ पर वैंग अपने इमोशंस में आ आके उसे सारी बातें बताने लगता है और कहने लगता है वो कैंडी दिखाकर कि बचपन में एक लड़की थी जिसने मुझे ये कैंडी दी थी और हम दोनों ने वादा किया था कि हम दोनों एक दूसरे को शादी करेंगे। यहाँ पर उस मास्क वाली लड़की को यकीन नहीं होता कि ये कैंडी उसके पास कैसे आई। इसके बाद में वैंग जब बेहोश हो जाता है तो वो लड़की अपना मास्क निकालती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी लियू ही होती है। और लियू समझ जाती है कि ये तो उसके बचपन का ही दोस्त है जिसको उसने जेड वाला पेंडेंट दिया था। फिर यहाँ पर वो स्कूटी चला रही होती है तो फिर वो वैंग को देखती है। यहाँ पर वैंग को वो शादी के लिए रास्तों पर ही हाँ बोल देती है। यहाँ पर वैंग को यकीन नहीं हो रहा होता कि उसने फाइनली हाँ बोल दिया है। इसके बाद में वो लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी निकाल कर आ जाते हैं। यहाँ पर दूसरी और लियू आ जाती है कार खरीदने के लिए तो वो कार को टच करने वाली होती है तो फिर एक स्टाफ आकर बोलती है कि तुम टच नहीं कर सकती क्योंकि वो खराब हो जाएगा और वो मिलियंस में है और तुम तो बस देखने आई हो ना कि खरीदने। यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि मैं खरीदने आई हूँ तो फिर वो स्टाफ बोलती है कि अपने औकात के अनुसार बात करो। यहाँ पर लियू बोलती है कि तुम्हारा तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा घमंड है, कोई बात नहीं जल्द ही टूट जाए। इतने में ही वहाँ पर आ जाता है लियू और उसकी गर्लफ्रेंड कार खरीदने के लिए, साथ ही साथ उनकी मॉम भी होती है। यहाँ पर उसकी मॉम उसकी बुराई करने लगती है लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करती है लियू आगे बढ़ती है हाथ ऊपर कर लेकिन उसका मुंह चुप हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि एक जोर सा थप्पड़ उसके पास आने ही वाला था। यहाँ पर लियू और सब में झगड़ा होने लगता है जहाँ पर वो स्टाफ लियू को बाहर निकलने के लिए बोलती है। इतने में ही वहाँ पर वैंग आ जाता है तो वैंग को देखकर वो स्टाफ ग्रीट करने लगती है और वैंग से माफी मांगने लगती है। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड फिर भी भरा बुरा बोल रही थी तो फिर लियू उसके मुंह पर आइसक्रीम दबा देती है और बोलने लगती है कि मुझे लगा तुम ज्यादा ही कड़वी बातें बोल रही हो तो क्यों ना कुछ मीठा सा आइसक्रीम तुम्हारे मुंह पर लगा दूं ताकि कुछ मीठे बोल भी तुम बोल लो।
यहाँ पर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि वैंग बोलता है कि जहाँ पर तुम्हारी इज्जत नहीं होगी वहाँ पर मैं नहीं रुकना चाहता। फिर यहाँ पर उसे गर्लफ्रेंड बोलने लगती है कि हाँ बहाना मार के चले जाओ। फिर यहाँ पर ल्यू बोलती है कि तुम्हें तो बहाना ही लग रहा होगा, अभी मैं अपना कार्ड स्वाइप कर दूंगी तो तुम्हारी औकात तुम्हें दिख जाएगी। यहाँ पर ल्यू अपना कार्ड उसे देती है कार खरीदने के लिए। इतने में वहाँ पर उस कार स्टोर का मैनेजर आ जाता है, जो आते ही अपने स्टाफ को थप्पड़ मारता है और लियो के साथ बदतमीजी करने के लिए माफ़ी मंगवाता है। फिर यहाँ पर वो घर खरीदने वाले लोकेशन पर होते हैं जैंग और शीन। यहाँ पर जैंग और शीन आपस में बात करते हैं कि वैन और वहाँ पर से लियो जा रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पर उस कार स्टोर का मालिक आ जाता है सारी कार्स को लेकर, और वो सारी एक से बढ़कर एक लग्जरियस कार होती है। वही थी वो सब की सब यहाँ पर है। जैंग और शीन तो उन सारे कार्स को देखकर शौकी हो जाते हैं। यहाँ पर लियो से बोलती है कि ये सारे कार्स मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। साथ ही साथ लियो से ये भी बोलती है कि तुम, मैं तो बस स्कूटी चलाती हूँ, तो मैंने सोचा कि तुम तो कार एंजॉय करते हो चलाना। यहाँ पर वैन से बोलता है कि कुछ ज़्यादा ही कार्स नहीं हो गए? तो लियो बोलने लगती है कि हाँ रोज के लिए एक गाड़ी तो ठीक ही है ना। यहाँ पर उन सबका झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर लियो उन सबको लेकर पुलिस स्टेशन भेज देती है और उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि तुम्हारी सजा ये है कि तुम दिन रात यहाँ पर नील डाउन कर बैठे रहो। यहाँ पर इतने में उसका हस्बैंड आ जाता है और उन लोगों का टाइम अप भी हो जाता है, तो वो उन्हें उनका मैरिज सर्टिफिकेट देकर वहाँ से चली जाती है। दूस और शीन की आंखों में बदला नजर आ रहा होता है। यहाँ पर इसके बाद में हम एक इवेंट का सीन देखते हैं जो लॉर्ड फैन ने ऑर्गेनाइज किया होता है। यहाँ पर अभी भी इनमें से किसी को नहीं पता होता कि वो ली हुई है। यहाँ पर वो सभी लोग आ जाते हैं, यानी कि ली और उसकी गर्लफ्रेंड जैंग और उसकी गर्लफ्रेंड शीन, और यहाँ पर से आ जाती है लियो। और यहाँ पर लियो के साथ होता है उसका हस्बैंड बैंग। और यहाँ पर सभी लोग बोलने लगते हैं कि हम में से किसी को इनविटेशन अच्छा खासा मिला नहीं है, तो तुम्हारे पास इनविटेशन कहाँ से आया? यहाँ पर वैंग इनविटेशन दिखाता है तो गार्ड उसे सैल्यूट करता है और उसे VIP के थ्रू ले चला जाता है। यहाँ पर जैंग और ली बोलने लगते हैं कि वो तो चला गया चेयरमैन की परमिशन से, लेकिन तुम यहाँ से कैसे जाओगी क्योंकि तुम तो चेयरमैन को जानती ही नहीं हो। हम तो चले अंदर। यहाँ पर लियो का असिस्टेंट उन्हें रोकता है और उनका नाम पूछता है। फिर वो लोग बहुत खुशी खुशी अपना नाम बताते हैं, तो लियो का हस्बैंड बोलने लगता है कि हाँ ठीक है, अब आप लोग यहाँ से क्रॉल कर जाइए क्योंकि यही हमारे चेयरमैन का आदेश है। अगर आपको क्रॉल कर नहीं जाना तो सीधा अपने घर चले जाइए। यहाँ पर जैंग गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि उसी ने हमें इनविटेशन दिया और वही हमारे साथ ऐसा कर रही है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि लियो उसके कान में कुछ तो बोलती है और वहाँ से चली जाती है। वो लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर लियो वहाँ से गई कैसे। फिर यहाँ पर उसके मॉम डैड वैंग को बोल रहे होते हैं कि ढंग से तो रेडी होकर आते, तुम्हारी आज शादी होने वाली होती है। फिर यहाँ पर वैंग को पता चलता है कि यहाँ पर वो चेयर वुमेन आएगी और उससे शादी कर लेगी। और यहाँ पर वैंग शॉक हो जाता है क्योंकि उसे कहीं भी लियो आसपास दिखाई नहीं दे रही होती और उसे लियो से ही शादी करनी थी। इतने में एंट्री होती है लॉर्ड फैन की, जो अपने आंखों पर पट्टी बांध कर आ जाती है। यहाँ पर वो उसके लिए बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स लाई होती है। यहाँ पर सभी लोग ये सारी चीजें देखकर खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर वैंग उसे बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। यहाँ पर लियो बोलने लगती है कि हाँ मुझे पता है, उस दिन तुमने रूम ने मुझे सारी स्टोरीज बता दी थी, तो तुम टेंशन मत लो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गिफ्ट लाई हूँ। यहाँ पर वो जेड वाला पेंडेंट निकालती है बाहर और यहाँ पर वैंग उसके टेक्सचर को देखता है और वो ठीक उसी का पेंडेंट होता है जो बचपन ने उसमें उस लड़की को दिया था। यहाँ पर लियो पुलिस को भी बुलाती है और वो जैंग और शीन को पुलिस के हवाले कर देती है क्योंकि उसकी मॉम को शीन ने और जैंग ने मिलकर मारा था क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स दे दी गई थी जिस वजह से उनकी मौत हो गई थी। और वो स्लीपिंग पिल्स दिया गया था जैंग ने और शीन ने। शीन यहाँ पर उसके पैरों के नीचे बैठकर माफ़ी भी मांगती है लेकिन वो उसे माफ़ नहीं करती। दूसरा लियो और उसकी मम्मा चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं ताकि वो उन पर कुछ इंजाम ना लगा सके। यहाँ पर वैंग और लियो एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ पर वैंग और लियो की फैमिली एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ पर वो दोनों किस करने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।